दोस्तों हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि भाई हैशटैग के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो ये जो वीडियो है ये कम्प्लीटली हैशटैग के ऊपर होने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हैशटैग क्या है, हैशटैग को क्यों और कैसे यूज़ करते हैं, और हैशटैग से आपको कैसे बेनिफिट होगा, यानी कि आप अपने सोशल मीडिया को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में कम्प्लीटली बात करने वाले हैं। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, बट इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो कर दो इस वीडियो को लाइक, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है दोस्तों, हैशटैग क्या है? जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, हैशटैग यानी कि किसी भी टैग के आगे अगर आप हैश लगा देते हैं तो वो बन जाता है हैशटैग। फॉर एग्जांपल, हैशटैग कूल, हैशटैग फनी, हैशटैग सैड, हैशटैग हैप्पी, हैशटैग 2021। तो ये सारे टैग्स के आगे देखिए हैश लगा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं हैशटैग। अब ये एक्चुअली हैशटैग है क्या? देखिए, मैं कोई आपको किताबी भाषा आप लोगों के सामने डेफिनेशन नहीं रखने वाला, मैं बिल्कुल ही प्रैक्टिकल बात करूंगा दोस्तों इस वीडियो में, जिससे आप जो है रिलेट कर पाएं इसको, ठीक है, रियलिटी से। देखिए, बेसिकली हैशटैग को आप एक ग्रुप समझ सकते हैं। एक ग्रुप मान लीजिए, ऐसा ग्रुप जिसमें आप कोई पोस्ट को जब अपलोड करते हैं और उस हैशटैग को यूज़ करते हैं तो वो उसके साथ लिंक हो जाता है। फिर जैसे मान लीजिए कि ये हैशटैग 2021 है, ठीक है, ये हैशटैग 2021 है और आप कोई पोस्ट अपलोड कर रहे हैं और उसमें आपने हैशटैग 2021 जो है मेंशन किया है, तो वो जो पोस्ट है वो इसके साथ आके लिंक हो जाएगा। जितने भी लोग ये हैशटैग मेंशन करेंगे वो सब इसके साथ जो है लिंक होता चला जाएगा, ठीक है। और इस हैशटैग पे जब आप पहुंचेंगे तो वो सारा का सारा पोस्ट जो है इकट्ठा इस हैशटैग के अंदर में आपको दिखने लगेगा। तो ये होता है दोस्तों हैशटैग। अब दोस्तों सवाल आता है कि हैशटैग को क्यों और कैसे यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्यों का जवाब दे देता हूँ, फिर हम बात करेंगे कैसे यूज़ करना चाहिए। देखिए, हैशटैग आपको इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि आपका पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले आपके पोस्ट को, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आपके पोस्ट को देख पाए और उसके साथ एंगेजमेंट बना पाए। अब देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। आपने फेसबुक में कोई ना कोई पोस्ट जरूर किया होगा, फोटो, वीडियो या फिर कोई टेक्स्ट। अब बताओ आपको उस पोस्ट में कितना लाइक मिला? 2, 5, 10, 50? क्या आपको 100 लाइक मिला, 200 मिला, 500 मिला, 2000 मिला? नहीं मिला। इसका मतलब है कि आपके पोस्ट का रीच एक लिमिटेड है, आपको उस लिमिट के आगे आपको आपका पोस्ट जो है रुक गया, उसके बाद बढ़ ही नहीं पाया, लोगों तक तो पहुंच ही नहीं पाया। तो आप हैशटैग जब यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक पहुंच पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पोस्ट के साथ इंगेज हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको हैशटैग यूज़ करना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हैशटैग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, बट लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। क्या करना है, अपना जो पोस्ट है उसमें उस टाइप का उससे रिलेवेंट हैशटैग उठाओ, लगा दो, भैया पोस्ट कर दो। बट इतना ईजी नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझो, मैं सड़क के बीच में आ गया और मैं डांस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, एक लोग मुझे देखेंगे, दो लोग देखेंगे, पांच लोग, 10, 15, 20, एक टाइम के बाद मुझे चारों ओर से लोग घेर लेंगे और मैं बीच में डांस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ता चला जाएगा, बहुत दूर दूर तक लोग फैल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, अब एक आप बताओ, खुद बताओ कि मुझे कौन लोग क्लियरली जो है देख पाएंगे, जो मेरे फ्रंट में है, जो आगे है वो मुझे बिल्कुल ही साफ साफ देख पाएंगे किसी भी एंगल से, जो मिडिल में है यानी कि उससे जो पीछे है उनको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, अरे भाई अपना सर हटाना यार, दिक्कत हो रहा है, ठीक है। उससे भी जो थोड़ा पीछे है यार, उसको थोड़ा हुलकना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा यार उसको देखने के लिए। उससे भी जो पीछे है उस बेचारे को तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से दोस्तों हैशटैग जो है तीन तरह का होता है, हाई कॉम्पिटिटिव हैशटैग, लो मीडियम सॉरी मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, हाई कॉम्पिटिटिव हैशटैग, मीडियम कॉम्पिटिटिव हैशटैग और तीसरा होता है लो कॉम्पिटिटिव हैशटैग। तो ये तीन तरह का जो हैशटैग होता है आपको समझना पड़ेगा कि तीनों क्या होता है। हाई कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है दोस्तों कि जो बहुत बहुत ज़्यादा उस पर कॉम्पिटिशन है, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर जो है उस पर काम करते हैं, उन हैशटैग पे आपको रैंक करना यानी कि उन हैशटैग्स पे आपको अपना पोस्ट लोगों को दिखाना ये इम्पॉसिबल है अगर आप एक बिगिनर है तो,
मीडियम कॉम्पिटिटिव जो होता है हैशटैग, उस पे क्या होता है कि आपको कुछ कुछ चांसेस होता है, बट आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रेटजी लगाना पड़ेगा। बट मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप बिगिनर है तो आपको लो कॉम्पिटिटिव हैशटैग का ही यूज़ करना चाहिए। आइए अब इस एग्जांपल से रिलेट करते हैं। जिस तरह से मैंने बोला कि मैंने बीच में मैं जो डांस कर रहा हूं, अब बहुत सारे लोग जो वहां फैल गए, तो जो सबसे आगे है वो है लो कॉम्पिटिटिव, यानी कि लो कॉम्पिटिटिव में कम लोग है, उसके आगे तो कोई लोग नहीं है ना, वो जो फ्रंट में मेरे उसके आगे तो कोई इंसान नहीं है, क्योंकि वही सबसे आगे है, सामने वाले को देख पा रहा है क्लियरली। जो मिडिल में है वो क्या है, मीडियम कॉम्पिटिटिव हैशटैग, ठीक है, उसको क्या हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उसको देखने में, बट फिर भी वो देख पा रहा है। बट जो सबसे पीछे है वो है हाई कॉम्पिटिटिव, उस पर आप उसको देख ही नहीं पाओगे, उस या वो लोग आपको नहीं देख पाएगा, आप उनको नहीं देख पाओगे, आप बहुत डिस्टेंस पे हो, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा भीड़ से निकल निकल के आगे पहुंचने में, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको जो है हमेशा, अगर आप बिगिनर हैं या फिर कुछ भी है, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा हैशटैग के ऊपर, और कोशिश कीजिए कि आप लो पे और मीडियम पे जो है कमांड बनाइए, लेकिन स्टार्टिंग आप लो से ही कीजिए, तब जो है धीरे धीरे आप जो है हैशटैग के ऊपर भी जो है आप रैंकिंग पा सकते हैं, अपना कमांड बना सकते हैं, और आपको जो है अच्छा खासा रीच मिलेगा। यानी कि आपको जो है हैशटैग का रिसर्च करना है, तो रिसर्च कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता, तो आप कमेंट्स करना, मैं आप इसके ऊपर भी जो है वीडियो बना दूंगा। अब दोस्तों सवाल आता है कि हैशटैग से हमें कैसे बेनिफिट होगा और कैसे हम अपने सोशल मीडिया को ग्रो कर सकते हैं हैशटैग की मदद से। देखो तो बेनिफिट आपको ऐसे होगा, जब आप हैशटैग यूज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे, यानी कि अगर आपका कोई वीडियो है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख पाएगा, अगर आपका कोई पोस्ट है यानी फोटो है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लाइक्स कमेंट्स शेयर उस वीडियो में आएंगे, यानी कि एंगेजमेंट आएगा। वो अगर आपका मान लीजिए कोई आपको कुछ सेल्स करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, यानी कि आप जो भी आपका मोटिव है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे और आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, यानी कि आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा हैशटैग को यूज़ करने से। और इसी तरह से अगर आप अपने सोशल मीडिया में यूज़ करते हैं तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का फ़ायदा ये है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लोग आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे और आपको भी धीरे धीरे जो है ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप हैशटैग को यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली। अब दोस्तों इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, मतलब इतनी सारी जो बातें मैंने आपको बताई इसका कंक्लूजन क्या है, क्या मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की। तो मैंने समझाने की कोशिश ये की दोस्तों कि आपको हैशटैग ज़रूर यूज़ करना है अपने पोस्ट में, और अपने पोस्ट के रिलेवेंट जो आपके पोस्ट से मिलता जुलता हैशटैग हो। दूसरा, आपको हैशटैग को जो है रिसर्च करना है, और ख़ासकर आप जो है लो कॉम्पिटिटिव हैशटैग को ही यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें कम लोग होता है, कम भीड़ होता है, तो आप कम लोगों के बीच में जाएंगे तो आप क्लियरली जो है लोगों को विज़न कर पाएंगे, यानी कि लोग आपको देख पाएंगे। उसका तीसरा दोस्तों बेनिफिट ये होगा कि आप इससे अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, यानी कि अगर आपका वीडियो है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचा पाएंगे, यानी कि आप अपने कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंच पाएंगे, रीच बढ़ा पाएंगे। और चौथा दोस्तों आप इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो है ओवरऑल ग्रोथ करेंगे, आपका सोशल मीडिया भी ग्रोथ होगा। तो ये था दोस्तों कुछ स्ट्रेटजी और कुछ टेक्निक्स जो मैंने आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर किया। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, बताना जरूर नीचे कमेंट्स करके। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, जाके आप हमें फॉलो कर लो। आज का दोस्तों आपका सवाल यही है कि आपका फेवरेट हैशटैग कौन सा है, कर दो नीचे कमेंट्स, और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी नीचे सजेस्ट कर दो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बस दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, नई वीडियो आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।